माय गुडनेस, इतना सारा प्यार करते हो आप अपना एनिमल से, पेट एनिमल से। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं इतना कमेंट मैंने रीड किया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 सारा कमेंट आता है पेट चीजें के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज, अगर आप पेट लवर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप पेट लवर्स नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये वीडियो स्किप कर दो। अगर देख लोगे तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन रह जाएगा। ओके, सो बातें मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ वो जरूरी है आपको ध्यान से सुनने का, बिकॉज इतना सारा कमेंट आने के बाद थोड़ा तो एनालिसिस किया, इसके बारे में कुछ वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो मैं गली स्ट्रीट पे जाके मैं बना सकता था, मैं इधर पे इसलिए बना रहा हूँ। हर एक चीज के लिए माहौल बनाना जरूरी होता है, तो उधर पे उतना अच्छा माहौल नहीं बन पाएगा। विदाउट स्कीपिंग इस वीडियो को पूरा तक देखना, एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको गली स्ट्रीट का या किसी भी पेट शॉप का वीडियो पे नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप एक पेट लवर्स हो तो। तो चलो शुरू करते। तो हे गाइस, दिस इज पुलॉक, आप सबका दोस्त एंड होस्ट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो देना तो जरूरी है, बिकॉज देखो हर एक दिन बहुत सारा नया नया सब्सक्राइबर जुड़ रहा है। थैंक यू भाई, आप लोगों का प्यार ऐसे ही रहे। स्टार्टिंग करते सबसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यू पीपल आस्क मी, वो क्या है? गली स्ट्रीट, गली स्ट्रीट, गली स्ट्रीट, आखिर गली स्ट्रीट है कहाँ? तो गली स्ट्रीट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोलकाता मतलब नॉर्थ कोलकाता शाम बाजार के आसपास है। मैं आपको एक प्रॉपर एड्रेस दे दूंगा, इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, उधर पे आपको एड्रेस एंड एज वेल एज मैप का लोकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। गाइस बहुत सारा इस पे भी कमेंट आता है, हाउ टू रीच एट गली स्ट्रीट शाम बाजार। तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मैं दो लोकेशन से आप लोगों को बता सकता हूँ, एक है सेंट्रल कोलकाता स्पैनेट और एक है दमदम नॉर्थ कोलकाता। तो ये जो दोनों लोकेशन है इसके आसपास से आप मेट्रो से आ सकते हो इजीली, लेकिन संडे को मॉर्निंग पे मेट्रो आपको नहीं मिलेगा कोलकाता में। वेट, कोलकाता में आपको ट्रेवल करने के लिए, आने के लिए आपको सिर्फ मेट्रो की जरूरत नहीं है, कोलकाता में बहुत सारा बसेस है, आप बस से आ सकते हो, ट्रेन, ट्राम, रिक्शा एज वेल एज Uber एंड Ola भी आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। सिर्फ आपको आना है शाम बाजार नॉर्थ कोलकाता। आते हैं नेक्स्ट सजेशन पे, जो बहुत सारा कमेंट आया उस पे भी, जो कौन सा टाइम पे वो गली स्ट्रीट ओपन रहता है। देखो भाई, मैं आप लोगों के क्लियर बता रहा हूँ गाइस, अर्ली मॉर्निंग 5 AM to 5 PM तक ओपन रहता है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो इसके बीच में आप किसी भी टाइम पे जा सकते हो, लेकिन अगर मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन लोगे, बहुत सारा ऑप्शन देखना है, वैरायटीज चीजें देखना है, तो आप जा सकते हो मॉर्निंग 6 AM to 10 AM के अंदर। बहुत सारा कमेंट आया इस पे, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, विदाउट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बिकॉज देखो आप लोग बहुत सारा कमेंट किया, बहुत ज्यादा व्यूज है इसमें, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इस टॉपिक के ऊपर अच्छे तरीके से बात करने का। तो ये जो टॉपिक है ट्रांसिट को लेकर, कोलकाता टू मुंबई, कोलकाता टू बेंगलोर, कोलकाता टू चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, किसी भी सिटीज, किसी भी स्टेट पे या किसी भी कंट्री पे, मुझे तो यूएस से कॉल आता है, मतलब ईमेल आता है, कमेंट आता है, डीएम आता है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ गाइस। ट्रांसिट टोटली अलग प्रोसेस है, जैसे कि देख लो, अगर आपको चाहिए एक सेंट बंट, मान लेता हूँ 10,000 रुपीज है एक छोटा सा सेंट बंट कोलकाता में, ये सेंट बंट आपको लेके जाना है कोलकाता टू दिल्ली और मुंबई कहीं पे भी, तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भेजने के चक्कर में आपको और भी 30,000 to 40,000 rupees एक्स्ट्रा खर्चा होगा। सोच के देखो एक बार, आप लोगों को लग रहा है मैं फेंक रहा हूँ, नहीं, मैं आप लोगों को एक क्लियर लिस्ट दे रहा हूँ। इस पे आपको पहले सिनमन को खरीदना पड़ेगा 10,000, उसके बाद केज बनाना पड़ेगा, उसका अलग से पैसा लगेगा, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक एनजीओ के थ्रू वो अलग से चार्ज करेगा, एंड जो आपका फ्लाइट का टिकट या ट्रेन का टिकट बुक करेगा उसको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, जो बंदा आपके पेट के साथ रहेगा उसका अलग चार्ज होगा। मान लो कोलकाता से मुंबई जाने के लिए ट्रेन में आपको 2-3 दिन लग गया और आने में 2-3 दिन लग गया, तो कितना हुआ, 7 डेज हो गया। फ्लाइट में अगर होगा 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो जो अमाउंट आपको चार्ज करेगा वो अप्रोक्स 30 to 35 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्यों इसमें आपको पढ़ना है, तो क्या होता है इसमें आपको बहुत सारा अमाउंट खर्चा होता है गाइस। सबसे अच्छा यही होगा आप अपना लोकल मार्केट से पहले देख लो, जो बार्गिंग करना जानते हैं उनको लेके जाओ एंड उधर से परचेस कर लो। और अगर आप कलकत्ता के आसपास में हो, जैसे कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल से कहीं से देख रहे हो, तो अगर आना चाहते हो तो कोलकाता से आके आप ले सकते हो, ठीक है।
मैं आप लोगों को गुमराह नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है। मैंने थोड़ा रिसर्च करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियोस तो यूट्यूब पे बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उस तरह का वीडियो भर भर के आपको मिलेगा। तो उस तरह वीडियो को देख के आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आइडिया कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया रहे इस गलीब स्ट्रीट या गलीब स्ट्रीट रिलेटेड हर एक कॉर्नर पे। जो प्राइस होता है, देखो प्राइस मैंने आप लोगों को इसमें ही हल्का सा हिंट्स दे दिया। प्राइस ऑलमोस्ट हर एक मार्केट पे सेम रहता है, जैसे कि आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जहां पे भी देख लो, कोलकाता, सब जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब थोड़ा अप डाउन होता है, जैसे कि इधर पे आपको 5000 से आपको 10000 के अंदर पे पप्पीज मिल जाएगा, इधर पे 2000 से भी स्टार्ट होता है, लेकिन उस पर आपको अच्छा तरीके से बार्गिन करना पड़ेगा। अगर आप ढंग से बार्गिन नहीं कर पाओगे तो वो बीडर जो है, सेलर जो है, एक्चुअली बीडर सेलर को भेजता है, सेलर आप लोगों को भेजता है, आपको देखे वो समझ ही लेगा बार्गिन ढंग से कर सकते हो या नहीं, उसके हिसाब से आपको चार्ज करेगा। तो ये कुछ बातें था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप यू गाइस लाइक दिस माय वीडियो, माय ओपिनियन, माय थॉट, जो आप लोगों के साथ शेयर किया, एक्सपीरियंसेस शेयर किया। तो अगर आप गलीब स्ट्रीट में जाते हो तो इन सारी चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो, और अगर आप पेट चीजें खरीदना चाहते हो जो मैंने बताया, इन चार पांच पॉइंट को आप ध्यान रखो तो आप एक अच्छा पेट चीजें खरीद सकते हो। तो नीचे प्लीज कमेंट करना मत भूलना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन पेट लवर्स को जो पेट चीज खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को जानना जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड बाय द वे गाइज, आई एम एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, मैं यूट्यूब पे व्लॉग बनाता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो जाओ पहले मेरा कुछ व्लॉग देख लो। गाइज लिव योर लाइफ विथ योर पेट।